हम सब जानते हैं कि आयरन मैन एक बहुत ही लेजेंडरी और आइकॉनिक कैरेक्टर है, और इस कैरेक्टर को इतना बड़ा बनाने का पूरा क्रेडिट जाता है रॉबर्ट डाउनी जूनियर को, क्योंकि उन्होंने आयरन मैन के रोल को इतने जबरदस्त तरीके से प्ले किया है कि उन्हें देख के लगता है कि उनका जन्म हुआ ही इसलिए है कि वो इस रोल को प्ले कर सके। वेल, आज उनका 59th बर्थडे है, तो चलो उनकी एमसीयू जर्नी की एक दो इंटरेस्टिंग बातें बताता हूं। देखो, 2008 के टाइम पे जब पहली आयरन मैन मूवी बन रही थी, तब जेल जाने की वजह से उनकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, जिस वजह से मार्वल स्टूडियोज ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि वो इस रोल को प्ले करें। लेकिन आयरन मैन मूवी के डायरेक्टर जॉन फेवरू, जो हैप्पी का रोल प्ले करते हैं, उन्होंने कहा कि भैया अगर आयरन मैन का रोल कोई प्ले करेगा तो वो आरडीजे होगा, वरना कोई नहीं। और उसके बाद आरडीजे ने ये प्रूफ कर दिया कि अगर इंसान को जीवन में एक दूसरा मौका दिया जाए तो वो क्या कुछ कर सकता है। फिर एक और इंटरेस्टिंग बात ये है कि आयरन मैन 1 के लिए आरडीजे को केवल 4 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन उसके बाद उनका जलवा कुछ ऐसा हुआ कि अकेले एंड गेम मूवी के लिए ही उन्हें फीस और बोनस मिला के लगभग 550 करोड़ रुपए दिए गए थे। मतलब जलवा देख रहे हो बंदे का।